विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी किसी बैरवा जी, हमारे सांसद सम्मान इमरान अंगेड़ा जी, हमारे विधायक उपाध्यक्ष कांग्रेस मिले पूनिया साहब, ममता जी, हुड़ला साहब, खजाना जी, मंच में बहुत सारे लोग बैठे, आवाज आ रही है आपको पीछे तक? मैं और जोर से बोलता हूँ, कल चुनाव का आखिरी दिन है और 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। मैं अकेला बैठा हुआ यार, 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, आप लोगों को अपना विधायक चुनना है। कुछ दिन पहले मैं प्रचार के लिए आया था, हमारे कार्यालय का हमने उद्घाटन किया, आप सब लोगों से मुलाकात हुई और मैंने उस टाइम भी कहा था ये चुनाव मात्र इसलिए हो रहा है कि यहाँ के विधायक सांसद बन गए और सांसद जनता ने बनाया। राजस्थान में 11 जगह बीजेपी हारी और हम लोग जीत कर गए। आज देश में 232 सांसद इंडिया गठबंधन के हैं, 232 हमारे हैं, 290 करीब उन लोगों के हैं एनडीए के। ये जो बदलाव आया है ये जनता लेके आई। आप लोगों ने तो मुरारी लाल जी को जिताया था विधायक का, अपना चुनाव जिताया, बड़े मार्जिन जिताया था। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने अपनी मन इच्छा से कांग्रेस को ताकत देकर 100 के पार आप लोगों ने पहुंचाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सीट खाली हुई विधानसभा की तो उपचुनाव होना जरूरी है। अभी मैं सुबह अलवर में रामगढ़ में था, वहां हमारे आर्यन जुबैर खान जी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी देवली न्यारा में आया, वहां केसी मीणा जी हमारी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं और दौसा से डीसी बैरवा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग हमारी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का उम्मीदवार कौन है ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन एक बार उम्मीदवार बन गया तो वो जाति, बिरादरी, धर्म, गोत्र, समुदाय से ऊपर उठ गया, फिर वो पंजे का है, पूरी कांग्रेस का है, फिर उसको बोलना कि तू फला जाति का है, फला बिरादरी का है, फला गोत्र का, इसका कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव दो दलों के बीच का चुनाव है, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। इन 11 महीने में जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, इन 11 महीने में, अभी आज मुझे बताया और मैं तो हम लैंड नहीं कर पाए हेलीकॉप्टर, क्योंकि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, वो कार्यक्रम कर रहे थे तो हमको दूर उतारा, मैं देर मुझे हो गई। और सुनो डीजी, आपके चक्कर नुकसान मुझे हो गया, मुझे शाम को हवाई जहाज पकड़ना था महाराष्ट्र जाने के लिए और हेलीकॉप्टर वाले ने कहा भाई 4:15 के बाद मैं टेक ऑफ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कहा तू चला ही जा कोई बात नहीं, मैं बिना छोड़ दिया, मैं रोड से निकल जाऊंगा हवाई अड्डे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, मेरे ख्याल पूरी सरकार का कोई एक आदि को मंत्री बचा होगा जो नहीं आए हैं, सारे आ गए ना। आप लोग धन्य हो जो शुरू में कहते थे कि हमारा डीसी बेहरा कमजोर कैंडिडेट है, आज पूरी सरकार को यहाँ के आगे डेरा डालना पड़ गया। यही लगाया था ना जब मुरारी जी और पार्टी घोषणा करी कि हमारा डायरेक्ट करंट डीसी बैरवा उम्मीदवार है, काहे को चुनाव ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हो गया चुनाव, तो भाई काहे गली गली डोल रहे हो फिर? अगर चुनाव इतना कमजोर था, उम्मीदवार इतना कमजोर है, हमारी पार्टी इतनी कमजोर है, तो तेल पानी लेके क्यों पूरे बाजार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संतरी, तंत्री, मंत्री सब बटक डोल रहे फिर क्यों? उनको पता है कि 11 महीने में जो वादे करके हम सरकार बनाए थे उनमें से कौन सा वादा पूरा किया। यहाँ बहुत से मेरे नौजवान साथी खड़े, घोषणा हुई बजट की और फलाना भाषण, आप में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिली पिछले 11 महीने में? एक को भी, एक बच्चा खड़ा है बता दे मेरे को। और मैंने पहले भी कहा था खाद के, डीपी के क्या हाल है, अब किसान फसल में काम करना चाह रहा है, पुलिस के पहरे में तो यहाँ खाद डीपी बढ़ रहा है, कालाबाजारी हो रही है, किसान परेशान हो रहा है, आपने वादे किए थे, ठीक है हारजीत होती रहती है। सरकार जब भाजपा की बन गई, ऐसा आपने 11 महीने में क्या किया है जिसके दम पे आप वोट मांग रहे हो अपने पक्ष में? और आपने अगर इतना अच्छा काम किया था, आपने साल भर में जनता का मन जीत लिया था, तो फिर झोली फैलाए क्यों भटकते फिर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर? अगर इतना बढ़िया काम किया था तो जनता अपने आप वोट डालेगी आपको, काम तो बोलता है ना। ये मनोहरपुर से दौसा के जो हाईवे है ये अपने आप बनी है क्या? ये 60 किलोमीटर की स्वर्गीय पांडे साहब ने बनाई थी रोड,
आज जुड़ गया हमारा जयपुर से, बोरे लदी पुलिया बनी है। जो काम है अपने आप बोलते हैं। आप घोषणा करते रहो ईआरसीपी करवाएंगे करवाएंगे, अरे भाई आप सरकार में रह लिए, 11 महीने आपको हो गए, वो एमओयू दिखा दो मेरे को जो आपने बनाया है मध्य प्रदेश की सरकार के साथ। किसी को नहीं पता साथियों वो एमओयू में लिखा क्या है, जब समझौते की कॉपी किसी के पास नहीं है, आप ताली बटवाते फिर रहे हो, हमारा का मध्य प्रदेश को देके आ गए हो और यहाँ के वोट मांग रहे हो। मैं चैलेंज करता हूं सरकार को, अभी भी समय, चुनाव का 2 दिन बाद वोट पड़ेंगे, आप ईआरसीपी का समझौता हुआ उसका जो एमओयू है उसको छपा अखबार के अंदर, जनता को पता पड़े आपने कितना पानी अपने रखा है, कितना आपने दे दिया। तो काम करने के लिए ताकत भी चाहिए होती है, सिर्फ अफसरशाही से चाय नहीं चलता। अफसरशाही और बाबू अगर सारा काम कर दें तो जरूरत क्या नेताओं की। अगर सारे अधिकारी सारी बात जानते हैं, जनता संवाद उनका होता है, तो क्या जरूरत एमएलएम भी बना।